इसी क्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी कड़ी की एक और कड़ी जोड़ना चाहते हैं और वो कड़ी नहीं वो बहुत बड़ी कड़ी है और उनके मैंने सुना है उनको पिछली बार भी सुना था बहुत अच्छा उनका ओझपूर्ण गीत सुना था तो मैं के एस दुबे जी को बुलाना चाहूंगा उससे पहले बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कैसे कैसे कवि बन जाते हैं आजकल जो लोग व्हील चेयर पे चलते हैं वो भी कवि बन जाते हैं तो एक इंसान आया मुझसे टकराया और उसका पजामा फट गया मेरी व्हील चेयर से पजामा फट गया बड़ा गुस्सा होने लगे बड़े गुस्सा होने लगे तो बोले पैसे निकालो हमने पैसे बोले मेरा बहुत महंगा पजामा है डेढ़ सौ रुपए का आया है और आपकी व्हील चेयर ये उल्टी सीधी बीच में लगाए रहे तो बड़ा डांट दिया अपमानित कर दिया मैं सच्ची घटना बता रहा हूं ये बिल्कुल भी गलत घटना नहीं है आप बिल्कुल रियलिटी लेके चलिएगा उनका पैर मेरी व्हील चेयर टकराया उनका पाजामा फट गया उन्होंने डेढ़ सौ रुपए मैंने भी पर्स निकाल लिया भैया ले लो भैया डेढ़ सौ रुपए दे दिए क्यों भाई नहीं देते तो लड़ाई हो रही थी डेढ़ सौ रुपए उन्होंने जेब में रख लिया हो चल दिए हमने कहा जा कहां रहे हो पाजामा तो दे जाओ भाई पाजामा तो दे जाओ डेढ़ सौ रुपये बोल पाजामा कैसे दे दू मैंने मैंने जैसे मैंने डेढ़ सौ रुपए दिए हैं वैसे पाजामा दीजिए भाई सुरक्षित डेढ़ सौ रुपए मिल गए मेरे लिए तालियां बजाइएगा और मैं आदरणीय के एस दुबे जी को बुलाना चाहूंगा उसका उसका अपना तरीका है। ये उसका अपना तरीका तरीका है है दान करने का ये उसका अपना तरीका है दान करने का वो जिससे शर्त लगाता है हार जाता है आदरणीय दुबे जी का उत्साहवर्धन करिएगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा मैंने भी 15 अगस्त को यहाँ एक कविता बनाई और तो वो भी हमने अपने पड़ोसी देश को ललकारते हुए जैसा उन्होंने ललकारा था वैसा मैंने भी ललकारा है और उसी को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ जी स्वागत स्वागत सर फरो की तमन्ना अब हमारे दिल में है परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है अब नहीं छोड़ेंगे तुमको ये हमारे दिल में है किसको पाकिस्तान को अब नहीं छोड़ेंगे तुमको ये हमारे दिल में है खून बहाया है अभी तक अब नहीं कचरा भी देंगे खून बहाया है अभी तक अब नहीं कतरा भी देंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है हाँ वाह तालिया तालियां तालियां बजाइए भाई तालियां बजाइए बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप बहुत सुंदर उन शहीदों की कसम जो शहीद हमारे वहां से तिरंगों में लिपट लिपट के आते थे उन शहीदों की कसम जो तिरंगों में आए थे। लिपट को आजाद करके अब हम लेंगे ही दम जब जब पूरा पीओ को आजाद करा लेंगे तभी हम दम दम लेंगे उसके पहले हम कतई नहीं रुकेंगे और उनकी कसम खाके कहते हैं उन शहीदों की जो बेचारो अपने, अपने माँ बाप और पत्नी वगैरह को सबको छोड़ के चले गए उनकी कसम खा रहे हैं अगर तुम आगे बढ़े तो ना पाक होगा ना होगा तुम्हारा अगर अगर तुम तुम अगर आगे बढ़े अगर तुम आगे बढ़े तो ना पाक होगा ना होगा सितम अब भलाई है इसी में क्रूरता छोड़ोगे वाह अब भलाई है इसी में कब क्रूरता छोड़ोगे तुम चीन अमेरिका भी समझ गए अब ताकत हमारी है चीन अमेरिका भी समझ गए अब ताकत हमारी है साथ देने वाला न होगा कब समझोगे तुम साथ देने वाला जिनको तुम्हें जरूर था कि चीन अमेरिका हमारा साथ देगा अब वो भी हमारी ताकत समझ गया है अब वो भी साथ देने वाला नहीं है इसलिए अब तुम समझ जाओ मोदी और साहा का जलवा मोदी और साहा का जलवा देख वाँ। कर दुनिया भ्रमित है देख कर दुनिया भ्रमित है ये निराला है करिश्मा उनका भारत बना महान है उन्हीं के करिश्मे की वजह से आज हमारा देश महान हो गया है था तो बहुत पहले से भी पर अब उसमें दोबारा से खून को जोश बढ़ने लगा है और भारत महान बन रहा है भारत माता की भारत माता की अब एक और, और, और क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होने वाला है पंद्रह तारीख को जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्टर ज्योति निरंजन का आगमन होना है तो उनके आने के पहले हमने एक उन्हीं के क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई हमने तो बन गई हैं आध्यात्मिक गुरु हैं इसलिए मैंने उसी आधार पर एक प्रभु के नाम से एक प्रार्थना लिखी है जी स्वागत हे प्रभु तुम हो हमारे हे प्रभु तुम हो हमारे हम तुम्हारे हो गए हे प्रभु तुम हो हमारे हम तुम्हारे हो गए ओम का जप करते करते सबके प्यारे हो गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओम का जप करते करते सबके प्यारे हो गए ओम में वे शक्ति है कि सब हमारे हो गए शक्ति है कि सब हमारे हो गए ओम व्याप है सब जगत में ओम व्याप है सब जगत में सृष्टि समाहित ओम में ओम व्याप है सब जगत में सृष्टि समाहित ओम में ओम से उत्पन्न सृष्टि ओम से उत्पन्न सृष्टि पंचभूतों में बसा है ओम का करिश्मा निराला वाह वाह पंचभूत बढ़िया बसा है ओम का करिश्मा निराला वाह फिर उसी संपूर्ण जीव ये जो जीव हैं वो भी पंचभूतों से बने हुए हैं संपूर्ण जीव पंचभूतों से बना है संपूर्ण जीव पंचभूतों से बना है जिसमें ओम है वही पंचभूत फिर उसी में मिल जाएगा फिर उसी में मिल जाएगा पानी का ये बुलबुला है फूट कर मिट जाएगा पानी का ये बुलबुला है फूट कर मिट जाएगा इसलिए घमंड मत करो भाई फूट ये जो है पानी का बुलबुला है कब फूट जाए ए प्रभु तुम हो हमारे हम, हम तुम्हारे हो गए वाह 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 वा, वा। बहुत